अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइंट सर्वर। इससे पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क और द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था। लेक्चर पर जाने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर लें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर की जनरल एग्जांपल हम क्या लेंगे, क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। क्लाइंट सर्वर की एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जैसे अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी जो नॉलेज है वो आपको दे रही हूँ, तो ये मेरी एक सर्विस है टीचिंग करने की। टीच कर रही हूँ मैं आपको, जो मेरी टीचिंग सर्विस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो मैं अगर प्रोवाइड कर रही हूँ ना, तो आपको उसको क्या कहेंगे कि मैं क्या हूँ, सर्वर हूँ। और आप लोग मेरे से ये सर्विस जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो ले रहे हो, आप मेरे से लर्न कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, आप लोग क्या हो, क्लाइंट। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जो आपको समझ आ जाएगी इजीली कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है। क्लाइंट वो होता है जो कुछ ना कुछ ले रहा होता है और सर्वर कुछ ना कुछ दे रहा होता है। तो कंप्यूटर में भी क्या होता है, जो कंप्यूटर सर्विसेज दे रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर प्रिंटर शेयर कर रहा है या कुछ इस तरह की स्टोरेज कैपेसिटी शेयर कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें अगर आपके पास वो दे रहा है तो उसे बोलेंगे सर्वर कंप्यूटर है वो। और वो कंप्यूटर जो उस सर्विस को ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, यानी कि उस सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, हम कि ये क्लाइंट कंप्यूटर है। तो देखते हैं हम, ए सर्वर प्रोवाइड्स ए सर्विस, ठीक है, सर्वर क्या करता है, वो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड ए क्लाइंट गेट दैट सर्विस, और वो क्लाइंट क्या होता है, वो वाली सर्विस को गेट करता है, लेता है। ए क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सम सर्विसेज, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज के लिए फ्रॉम एन अदर एप्लीकेशन विच एक्ट एज ए सर्वर, दूसरी एक एप्लीकेशन, यानी कि एक सर्वर से एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फ्ला सर्विस चाहिए आपसे। व्हेन वी एक्सेस ए वेबसाइट, फॉर एग्जांपल वो क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल जब हम वेबसाइट कोई ना कोई वेबसाइट का लिखते हैं ना, www.google.com, यानी कि जब हम उसका एड्रेस लिखते हैं, इसका मतलब हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, उसको हम ओपन कर रहे हैं। वी गेट कॉन्टेंट्स ऑन आवर स्क्रीन सर्व्ड बाय ए सर्वर, तो हमारे पास जो स्क्रीन पर कॉन्टेंट जो सारा कुछ आता है वो कौन प्रोवाइड करता है, हमें सर्वर प्रोवाइड करता है। तो वो जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड कर रहा है उसे बोलेंगे सर्वर, और हम उस चीज़ को ले रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे कि हम लोग क्या है, क्लाइंट है। ठीक है, ये जो है ना, ये आपने यहाँ से सारा ये कट कर देना, ये नहीं करना आपने, ठीक है, ये कट कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या सीधा आ जाना इस पर, क्लाइंट पर। ये जनरल पहले बताया था क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, अब क्लाइंट और सर्वर को अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है। क्लाइंट क्या है, ए क्लाइंट इज़ ए प्रोसेस डैट एक्सेसिज ए सर्विसेज, डेट एक्सेसिज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए सर्वर। क्लाइंट क्या करता है, सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको क्या करता है, यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल आ गई है, फॉर एग्जांपल टू चेक ईमेल वी यूज़ वेब ब्राउज़र एज ए क्लाइंट। जब हम कोई भी ईमेल चेक करते हैं तो हम वेब ब्राउज़र खोलते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हम खोलते हैं ना, तो वो गूगल क्रोम हमारे पास क्या है, एक ब्राउज़र है, ठीक है, तो हम वो ओपन करते हैं, तो जो ब्राउज़र है ना वो किसके तौर पर काम करता है, एक क्लाइंट के तौर पर काम करता है, क्योंकि एक ब्राउज़र ही रिक्वेस्ट आगे भेजता है सर्वर को, और सर्वर से जो रिक्वेस्ट लेकर फिर आती है, फिर आपको ब्राउज़र पर ही उसको दिखाई देती है, ठीक है। द क्लाइंट प्रोवाइड्स ए यूज़र इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शन, जो क्लाइंट है यानी कि ब्राउज़र है आपसे क्या मांगता है, यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। इसलिए क्या है, ये क्या है, एक इंटरफेस है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया गया, एक जगह दे दी गई है जहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है, ठीक है। इट फॉरवर्ड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर, जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते हो ईमेल के लिए, तो ये जो ब्राउज़र है वो इसको फॉरवर्ड करता है सर्वर के पास, विच इन रिटर्न प्रोवाइड्स अ रिक्वायर्ड सर्विस, और सर्वर क्या करता है, जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंट आपको प्रोवाइड कर देता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वेदर ए क्लाइंट इज सर्वर, यहाँ पर जो है ना हमारे पास क्लाइंट की डेफिनेशन हो गई ये वाली, और यहाँ से लेकर ना एग्जांपल से लेकर यहाँ तक हो गई उसकी एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल हो गई।
तो लेकिन अब ये जो आगे स्टार्ट हो रहा है वो एक इंफॉर्मेशन है, एक जर्नल है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वेदर ए क्लाइंट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। वो ये कह रहा है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट हार्डवेयर है कि हमारे पास या सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इन जर्नल ए क्लाइंट इज़ हार्डवेयर। जर्नल यानी कि आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर क्या है हमारे पास, एक क्लाइंट क्या है हमारे पास, एक हार्डवेयर है। ठीक है, तो जैसे कि सेल फोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, ये सारे के सारे एक हार्डवेयर क्लाइंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन जनरल ए क्लाइंट इज़ हार्डवेयर। ठीक है, आपने ये कट कर देना एज शोन इन फिगर। इन जनरल ए क्लाइंट इज़ हार्डवेयर, ये वियर भी कट कर देना। ठीक है, आपने वियर की जगह लिखना है ए जी। इन जनरल ए क्लाइंट इज हार्डवेयर, ई जी ए सेल फोन, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, ये भी आपने कट कर देना है, एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। बट इन पर्टिकुलर द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन डैट हार्डवेयर, लेकिन उस हार्डवेयर पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल फोन पर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जो उस पर चल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि क्या है ये सॉफ्टवेयर के तौर पर भी काम करता है। बट इन पर्टिकुलर द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन डैट हार्डवेयर इज़ द प्रोसेस विच मेक्स इट इज़ ए क्लाइंट। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसको क्या बना देता है, सॉफ्टवेयर के तौर पर क्लाइंट बना देता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर के तौर पर भी काम करता है और एक हार्डवेयर के तौर पर भी काम करता है। तो आपको ये क्वेश्चन पेपरों में आ सकता है कि क्लाइंट जो है वो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो आपने दोनों ही लिखना है कि इन जनरल ए क्लाइंट, आपका आंसर क्या होगा, इन जनरल ए क्लाइंट इज़ हार्डवेयर, ई जी ए सेल फोन, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। बट इन पर्टिकुलर द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन डैट हार्डवेयर इज़ द प्रोसेस विच मेक्स इट ए क्लाइंट। ठीक है, जो उसको क्लाइंट बना देता है सॉफ्टवेयर के तौर पर। ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट का सारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्वर। सर्वर तीन लाइनों का सिर्फ है। सर्वर, ए सर्वर इज़ ए फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज। ये क्या है, एक कंप्यूटर है, फिजिकल कंप्यूटर यानी कि हार्डवेयर, एक हार्डवेयर एक चीज़ है यानी कि हार्डवेयर के तौर पर कंप्यूटर है, डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट, जो कि इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि वो अपने क्लाइंट्स की सर्विसेज को, नीड्स को पूरी कर सके। डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज डैट इज रनिंग इट इज़ कुड बी ए फाइल सर्वर। अब हर एक सर्विस के लिए अलग अलग सर्वर होते हैं। ठीक है, तो अगर तो फाइल सर्वर है, अगर वो फाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, फाइल के मुतालिक हर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फाइल सर्वर है। और अगर डेटाबेस के तौर पर काम कर रहा है तो हम बोलेंगे डेटाबेस सर्वर है। प्रिंट अगर सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है प्रिंट की, तो उसे बोलेंगे प्रिंट सर्वर है। और वेब सर्वर, और अगर वेबसाइट की सारी चीज़ें देख रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, वेब सर्वर है। ठीक है, तो ये जो है हम, तो उम्मीद है कि क्लाइंट सर्वर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई इतना खास, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको पेपर में 8 मार्क का आ सकता है, और अलग से क्लाइंट सर्वर डिफरेंशिएट भी आ सकता है दोनों, और अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है डिफरेंशिएट करके क्लाइंट और सर्वर का, और आपका ये ये क्लाइंट हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, ये भी आपको आ सकता है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। तो ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।